भगवान राम के जन्म दिवस के अवसर पर काशीपुर में धूमधाम से रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रामनवमी शोभा यात्रा रामनगर रोड स्थित श्री रामलीला मैदान से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक, मोहल्ला किला और माता मंदिर रोड से होते हुए रामलीला मैदान में समाप्त हुई। शोभा यात्रा के आयोजक महेश अग्रवाल ने बताया कि वैसे तो प्रत्येक वर्ष भगवान राम के जन्म दिवस पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन 500 साल के बाद इस वर्ष भगवान श्री राम के अयोध्या में स्थापित होने के बाद पहली बार रामनवमी की शोभा यात्रा को भव्य बनाया गया। शोभा यात्रा में सभी वर्गों के द्वारा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रामनवमी शोभा यात्रा में भगवान कृष्ण और मीराबाई, लक्ष्मी गणेश, भगवान शंकर और माँ पार्वती के अलावा भगवान राम लक्ष्मण के साथ हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। पाँच सौ साल बाद पहली बार अयोध्या में आज जो है जन्मोत्सव राम जी का मनाया जा रहा है, जो विशेष तरीके से मनाया जा रहा है। काशीपुर वाले कभी पीछे नहीं रहते, ना 22 जनवरी को पीछे थे ना आज पीछे हैं। जैसा अयोध्या का भाव है वैसी भाव हम काशीपुर में दिखाना चाहते हैं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।